हेलो गाइस, फिर से एक न्यू डेमो आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं हरवेल बड़राजपुर का दशहरा। तो गाइस पिछले साल भी यहां पर दिखाए थे, काफी बढ़िया तरीके से हुआ, काफी ज्यादा कॉमेडी वाला था। तो आप लोगों ने उस वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को आज फाइनल दिखाने वाले की 2024 में यहाँ पर किस तरह से दशहरा होता है आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी यहाँ पर तैयारी चल रहा है, साउंड सिस्टम सब लगा रहे हैं और बाकी सब दुकान वगैरह सब सेटअप करने में लगे हुए हैं। तो यहीं पर होने वाला है दशहरा, आप लोग देख सकते हो। लंका के बड़े बड़े चार दरवाजे हैं, वहाँ कैसे लांगे जाएंगे क्या विचार करो। तो अभी वानरों को आज्ञा दो, जो आज्ञा पर लो अभी जाओ और लंका के द्वार तोड़ दो।
तो अभी जाता हूँ। बोल सुनो। तुम्हारे देखते देखते कितने सारा नगर जला दिया, यह उसका मार्ग खोल रोक सकता है। तुम रघुनाथ का भजन कर हित करो, यह व्यर्थ कल्पना छोड़ दो। जो कालरूपी सर को भी कहा जाता है, उसे सपने में भी कोई समझ कर जीत नहीं सकता। जो मैं कहूँ सो करो, ज्ञान से कहोगे तभी मार डालूंगा, अभी जाकर बना रखो। अभी जाता हूँ। प्यास लगी है थोड़ा सा जल दो। राम और रावण में बड़ा युद्ध होता है, इसमें राम जीतेंगे कोई संदेह नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे देखता हूँ, बोले ज्ञान दृष्टि का बड़ा बल है, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हे तपी, तुम्हारे दर्शन में निष्पाप हुई मुनिराज का सत मिट गए। हम मुनि नहीं गौरवी चाहते हैं, मेरी वचन सत्य मानो। तुम्हें जाने में बहुत देर होगी और प्रगट होती कठिनस हो जाएगा। तुम मेरे बाण पर सेल संकेत चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा सागर के पास पहुंचा दूंगा। हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे कारण माता पिता को त्याग कर सर्दी धूप सहे हो। हे भाई, अब प्रेम कहाँ है, मेरे विकल्प के वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। हे भ्राता, ऐसा विचार कर जागो कि सहोदर में भाई के समान नहीं मिलते हैं, धन पुत्र स्त्री जगत में अनेक बार मिलते हैं। उठो लक्ष्मण उठो। ये लंका गए थे, ये वैद्य भी लंका का ही निवासी, वहां से वैद्य को लाया गया है। फिर सजीवन मूल लेने हनुमान जी गए थे, वो सजीवन मूल भी लाए हैं। अब वैद्य जी उपचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से लखन जी को जीवन दान मिलेगा, ऐसी हम सबको आशा करनी चाहिए। बोले लखनलाल की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। We'll be right back.
लक्ष्मण जी के जिंदा होने की खबर जैसे ही रावण को पता चलती है, रावण बहुत परेशान हो जाता है। उसका एक भाई कुंभकर्ण होता है। कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, वो कुंभकर्ण को जगाने आया है। मन वचन कर्म से कपट त्याग कर रघुनाथ का भजन करो। हे नाथ, यहाँ पर्वत के समान बड़ा शरीर वाला रणजीत कुंभकर्ण आया है। Oh,
तुम गुस्सा की सी दिए दारे फुल पासी मत ना राजा कति भाई राजा मत साधु जो उतार मन ने गणाल मत सबका को ध्यान ता जाए अरे साधु आया पहले खाते कर आया अरे मत बच्चे मार पाए हां आते नहीं बस एकदम करक माल मनता इदु खाली हम बस अदाने तो लाग रहा था कोना ना रहा अरे हस्ती हुआ तो बेजान नी मैं पाया हके दाल सुनने के ना तो इसी का कसे आते ही बेजान पाया हके पर गाड़ी के हके रात बात की कौन तभी कर पिस्ता अरे 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 इकडे फिरता साडू इंगे वायते सब कुल परिचित तोरे गोदा फलाना आ गले इचो ना गए ओ हे रे मुन खदम हकीर मार फौरानो गले तुत्या मामा पति ने मोड़ गोले मां पति ने ना गले मां कु भिन्नी ने तो वाल बा है ना होले गले ले साडू आ बीचो गले कि उसे युद्ध में विजयी मिले भगवान की ओम राय स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमा Fire!
सहायता और सब कुशलता गई और राज्य सभा सेना लोक हो गई। खूब कह रहे मेहनत तो बिताए मनुष्य ने मार गिराया अब कहो क्या विचार करे लड़ाई काम कर सेना को और सरोसी की हानि की है फिर भी तुम्हारे निमित्त दोनों भाइयों को हरण करूंगा। दोनों भाइयों को पाताल ले जाकर देवी को बलि दूंगा। जब मैं ले जाऊं तब तुम जानना कि रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा। जिसके पास बल हो सो जाता उसे जिसका दोनों भाइयों को ले आवे। तुम्हारा बल सब जगत जानता है सिग्नल यात्र करो किस पास दोनों भाइयों को ले आओ। हे भाइयों चित्त स्थिर कर सेना अंधेर रखो प्रभु तीन लाख चौदह पवन जहाँ भी होंगे उन्हें सामर्थ्य के साथ ले आऊंगा। मुझे नहीं डर कर तुम कहाँ जाते हो तुम्हें भय नहीं मुझे नहीं जानते मैं हनुमान का पुत्र हूँ स्वामी भक्त काल का भी मुख भजन करता हूँ। अरे दुष्ट दोष का वचन क्यों कहते हो। अरे मूर्ख मेरे पुत्र किस नियमित से बनते हो इतने बड़े बात कहते तुझे लाज नहीं आई। जब तुमने रावण का पुल जलाया और फिर सागर के समीप आए तब तुम्हारे शरीर से पसीना बहा और सागर में गया उसे मछली ने पिया उससे मैं हुआ। जल्दी राजा राम करे बेड़ा मुंडे हाथो आदे नूरा माता बीते पेना दी जाले रावण ने पिस्तो नूरा रंटर घोखरा मानता आज की आयो जाले उड़ा तरार फेकर गोड़ा भाके मानतीरा आज फायर राज बड़े बागिया आज ने राम लक्ष्मण खून बलि ही लेना। अरे दुष्ट तुम ही काल के गरज में हो अपना रक्षक स्मरण करो तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक हुई है। Thank you.
के पास पत्राण है, इसे बलि शत्रु को कैसे जीतो। हे सखा, वह रथ और ही होता है, सूरता और वीरता उसके पहिए हैं, सत्य और शील उसके पताक है, बल विवेक इंद्रिया निग्रह परोपकार ये चार घोड़े हैं। ईश्वर का भजन सारथी है, वैराग्य की ढाल और संतोष की तलवार है, दान वर्षा बूढ़ी प्रचंड शक्ति और विज्ञान कठिन धनुष है, संयम अनेक प्रकार के बाण है, निर्मल लचक के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा यम एक कथन है। एक ही भाषा में रा इस प्रकार मुझे उपदेश किया। वृक्षवानर क्यों मारते हो मुझे, देख मैं तेरा काल खड़ा हूँ। Yeah.